हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, आज के ओल्ड इज गोल्ड सीरीज में मैं आप लोगों को ईयर 2018 में रिलीज हुआ स्त्री मूवी के ऑल टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। चाहे आप ईयर 2018 में थिएटर्स में रिलीज हुआ स्त्री मूवी का जो टोटल बजट था लगभग 30 करोड़ के आसपास का। आप इस मूवी के अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपर शक्ति खुराना के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिले थे। चाहे इस मूवी को प्रोड्यूस करने का काम दिनेश विजन ने किया था और यह मूवी मैडक फिल्म्स के बैनर के तले बना था। चाहे इस मूवी का टोटल बजट जो कि 30 करोड़ के आसपास का था, तो उस बजट के सामने इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे जो तगड़ा कलेक्शन किया था, उस चीज का एक्सपेक्टेशन शायद ही किसी ने किया होगा। चाहे इस मूवी को जब 31 अगस्त 2018 को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, इस मूवी को लगभग 2000 के आसपास के स्क्रीन प्लेस किया गया। चाहे इस मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया से 6 करोड़ 82 लाख के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी ने अपने सेकेंड डे को लगभग 10 करोड़ 87 लाख के आसपास का कलेक्शन किया, जिसके बाद इस मूवी ने अपने थर्ड डे को लगभग 14 करोड़ 57 लाख के आसपास का कलेक्शन किया था और डे फोर को भी इस मूवी ने लगभग 9 करोड़ 70 लाख के आसपास का कलेक्शन किया। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी ने अपने डे 5 को लगभग 6 करोड़ 37 लाख के आसपास का कलेक्शन किया था, जिसके बाद इस मूवी ने अपने डे 6 को लगभग 6 करोड़ 55 लाख के आसपास का कलेक्शन किया था। और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करते हुए स्त्री मूवी अपने रिलीज होने के फर्स्ट वीक को लगभग हमारे इंडिया से 60 करोड़ 38 लाख के आसपास का कलेक्शन किया था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी ने अपने सेकेंड वीक को लगभग 35 करोड़ 14 लाख के आसपास का कलेक्शन किया था और थर्ड वीक को भी इस मूवी ने लगभग 17 करोड़ 14 लाख के आसपास का कलेक्शन किया। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी ने अपने फोर्थ वीक को लगभग 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और फिफ्थ वीक को भी इस मूवी ने लगभग 5 करोड़ 44 लाख के आसपास का कलेक्शन किया, जिसके बाद इस मूवी ने अपने सिक्स्थ वीक को भी लगभग 1 करोड़ 37 लाख के आसपास का कलेक्शन किया था। और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करते हुए ये मूवी लगभग 8 वीक तक थिएटर्स में चला था। इसी के साथ मूवी ने ओवरसीज से भी लगभग 15 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया था। जहाँ पे स्त्री मूवी के हमारे इंडिया का जो ऑल टाइम नेट कलेक्शन था वो लगभग 130 करोड़ के आसपास का था, जिसका कि जो ऑल टाइम ग्रॉस कलेक्शन होता है वो लगभग 167 करोड़ के आसपास का चला जाता है। जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के ओवरसीज के कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे स्त्री मूवी के ऑल टाइम जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है वो लगभग 182 करोड़ के आसपास का चला जाता है। तो उस कलेक्शन के सामने इस मूवी का टोटल बजट लगभग 30 करोड़ के आसपास का ही था। और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेना था तो इसे 40 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना पड़ता, जिससे कई गुना ज्यादा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था, जिसके चलते ही इस मूवी के मेकर्स ने एक सिंगल मूवी को एक यूनिवर्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसके बाद इस यूनिवर्स के साथ क्या हुआ ये तो हम सभी को पता है। जहाँ पे नेक्स्ट मंथ मतलब कि 15 अगस्त को हमें फिर से इस मूवी का सीक्वल देखने को मिलने वाला है, जो कि बॉक्स ऑफिस पे ऑब्वियसली बवाल मचाएगा, जिसको लेके तो मैं अभी से ही काफी एक्साइटेड हूँ। वैसे दोस्तों, आप लोग स्त्री 2 मूवी को लेके कितने एक्साइटेड हो इस बार में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नया तो उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।